आए दिन स्टार्स की बोर्डिंग स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं और सुनते आए हैं। पर एक्शन स्टार विद्युत जामवाल और उनके मैनेजर के बीच एक अनोखा इमोशनल बॉन्ड देखने को मिला। वैसे आमतौर पर हमेशा एक्टर अपने मैनेजर को गिफ्ट देते नजर आए हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है। विद्युत के मैनेजर अब्बास सैयद ने उन्हें हाल ही उनकी फेवरेट ट्राइव बाइक गिफ्ट कर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। यह इस बात का गवाह है कि ये दोनों ही एक दूसरे से इमोशनली जुड़े हुए हैं। विद्युत हमेशा से ही सिंपल लाइफ पसंद करते आए हैं। जब उनके मैनेजर अब्बास ने उन्हें उनकी पसंदीदा बाइक गिफ्ट की तो वे आश्चर्यचकित रह गए। ये बाइक अब्बास द्वारा विद्युत के लिए उनके प्यार और सम्मान की सौगात थी। मैनेजर का कहना है कि विद्युत बहुत ही संवेदनशील, समर्पण, सुलझे हुए इंसान है। कई लोगों के साथ काम किया, पर विद्युत इन सब से बहुत अलग है। वे हमेशा उनसे जुड़ी टीम को प्रेरित करते रहते हैं और अपनी सफलता को हमेशा अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये उपहार उनकी सफलता के लिए हैं। अब्बास के इस प्यार और सम्मान से अभिभूत विद्युत जामवाल का मानना है कि अब्बास के इस प्यार और सम्मान से मैं बहुत प्रभावित हूँ। अब्बास बहुत ही अच्छे इंसान है और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं। एक्शन स्टार विद्युत ने हाल ही में अपनी आगामी फिल्म खुदा हाफिज़ की शूटिंग पूरी की है। एक्ट्रेस यामी गौतम ने चंडीगढ़ में एक नया घर खरीदा है। मीडिया खबरों के अनुसार यामी अपने परिवार के कारण हमेशा से इस शहर में रहना चाहती थी। हिमाचल प्रदेश में जन्मी यामी चंडीगढ़ में पली बड़ी है। एक्ट्रेस के करीबी सूत्रों ने बताया कि यामी ने हाल ही में चंडीगढ़ में एक डुप्लेक्स खरीदा है। शहर में ये उनका पहला घर है। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते बाद उनका परिवार इस नए घर में शिफ्ट हो जाएगा। एक्ट्रेस ने इससे पहले 2016 में 25 एकड़ में निर्मित 100 साल पुराना हेरिटेज होम खरीदा था। फिलहाल यामी के घर में इंटीरियर का काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस ने पहले ही इसके लिए रीडिंग स्पॉट चुना था। विकी डोनर से बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाली यामी गिनी वेड्स सनी की शूटिंग में बिजी है। इस फिल्म में उनके साथ मैसी विक्रांत नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन पुनीत खन्ना कर रहे हैं और विनोद बच्चन इसके निर्माता है। एंटरटेनमेंट से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट।